अब तो सब उल्टा हो गया। अरुज औलाद किसकी है यही किसी को नहीं पता। आंटी अब अच्छा नहीं बोल रही। मैं तो सिर्फ बोल रही हूं। अच्छा तो तुम्हें नहीं लग रहा। उनको पता चल गया है कि मैं गुमशुदा लड़की हूं और मेरे वालदैन का किसी को पता नहीं है। What? मॉम को कैसे पता चले? करना क्या है सलमान, मुझे यकीन है कि मेरी नानी अब बहुत बड़ा हंगामा करने वाली हैं घर में। तुम प्लीज जल्दी घर आ जाओ। तो तुम मेरा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ इंसाफ की बात कर रहा हूं। और अगर आपको लगता ना कि ये मेरी बात आपके हुक्म के अगेंस्ट जा रही है तो ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूं इस बात की। मेरी नानी के साथ ये बच्ची कौन है? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हूं तुम, तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूं। मैं तो मरकर भी तुम्हारा दीवाना हूं, तुम्हारा आजमा कर देखिए। मुझे रानिया बहुत अच्छी लगती, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब कभी खुद को यूं समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है कि नहीं ऐसा नहीं। बन गई आशिकी, ये जुनून बेखुदी बन गई आशिकी, तूने दी है ये कैसी सजा। क्या बताऊं सबको आपके भतीजे के कारनामे? जाऊंगी तो मुझे ही अज़ियत होगी। सबकी ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि इतनी अच्छी बीवी छोड़कर अफ़तान को पड़ी क्या थी एक टिकटॉकर लड़की से शादी करने की। बस कर दो अलीज़े, ये लोग जितने भोले बनते हैं ना वो इतने अंदर से होते नहीं। तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हो, इसलिए सुकून के लिए यहाँ आकर बैठ गया। तो वो तुम अपनी दूसरी बीवी के पास नहीं गए क्या? वो तुम्हारी सोशल मीडिया सुपरस्टार रमशा खान, वैसे उससे पूछो तो अब कौन सी वीडियो वायरल करनी है उसने तुम्हारी? मतलब ये क्या कह रही हो तुम? जाओ जाकर अपनी बीवी से मालूम करो ना। ये निकाह की पिक्चर्स क्यों रखी हुई हैं तुमने? क्योंकि मेरी और आपकी पिक्चर्स हैं। तो क्या चाहती हो, इनको भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो तुम? इसीलिए रखी हुई है ना ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको? जैसे तुमने हमारी शॉपिंग की वीडियो वायरल करवाई है उसी तरह आप निकाह की पिक्चर्स भी करवाओगी ना, है ना? ऐसे क्यों करूंगी? क्योंकि तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि तुम मेरी बीवी हो। जब तक दुश्मन जिंदा है दुश्मनी खत्म नहीं होती। तो क्या मतलब दुश्मन को मार देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, दुश्मनी को मार देना चाहिए। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बारात आ गई।
बताओ सारा काम वालों को कि चना सोन आया है, वो भी चश्मा लगा के। लगाओ अंगूठा, अगर नहीं माना तो फिर हमारा बाबा दुराव आएगा। दुराव खान, दुराव खान। यारा दरवेश खान को शादी का तोहफा तो दो। तुम हमारे पास है, हमारा कब्जे में, अब तुम चनार खान का बीवी। मुझे जब से मिली हो मुझे एतमाद मिला है और यकीन, अब तुम भी यकीन रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बदतमीजी है, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह आने की? अरे मेरी जान बेवफा, बेवफाओं की तो जान को आ जाता हूँ मैं, हलक में हड्डी बन के फंस जाता हूँ। मोहब्बत करता हूँ अलीम से, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी आपको इसमें एक बेटी नजर आएगी, बहू नहीं। और जिस दिन आप इसको उस नजर से देखेंगी आपको अपने बेटे की चॉइस पे नाज होगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं आना चाहिए था बिना सोचे समझे आपके घर। तरस आ रहा है मुझे तुम पे, तुम्हारा बदला हुआ लहजा, तुम्हारे बदले हुए अल्फाज। थोड़ी देर पहले तुम मेरे खून की प्यासी थी, इन अभी वीडियो देखने के बाद तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा हो गया ना। मोहब्बत का मुकाबला मोहब्बत ही कर सकती है। तारा बचपन से ही मुराद को बहुत पसंद करती है, उसे हासिल करने का ख्वाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने कुछ भी कर देना है। लॉयर क्या कह रहे? क्या कहना है उसने? कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। चाहता तो आराम से तलाक के कागज पर साइन करके हमें ये रोजमर्रा के चक्करों से बचा सकता था, लेकिन नहीं। खबासत देखो इसकी, हाँ, केस को तूल दे रहा है। तिया ते पराया तानून दिया ने, लेकिन कार दी मालकन ते फिर नूं ही होंदी है ना। वैसे सितारा तेनू कदी अकल नहीं आएगी, बिरयानी पहले शौकी पुत्र दे अगे रख। लै पुत्र मेरी गल याद रखी, जवाइयां पाइयां दी खास इज्जत करी दी है।